अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3D मॉडलिंग की दूसरी क्लास, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे किस तरह से बाउंड्री वॉल्स बनाई जाती हैं। बाउंड्री वॉल्स बनाने के बाद दूसरा प्रोसीजर के उसके अंदर किस तरह से डोर्स के लिए हॉल्स बनाए जाएंगे, विंडोज के लिए हॉल्स बनाए जाएंगे और वेंटिलेटर के किस तरह से हॉल्स बनाए जाते हैं। इसमें हम यूज करेंगे प्रेस पुल कमांड को, रेक्टेंगल कमांड को और साथ साथ उसके हम व्यूज को कैसे चेंज करते हैं और किस तरह से उनको हम समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3D मॉडलिंग का जो मोड आपके सामने खोला हुआ है, कुछ कमांड्स मेरी यहाँ नजर आ रही हैं, कुछ कमांड यहाँ नजर आ रही हैं। तो आपने सबसे पहले वही कमांड यूज करनी है जो कि है हमारे पास यूनिट्स। अच्छा, अगर आपको 3D मोड थोड़ा समझने में मुश्किल होता है तो आप यहाँ क्लिक करके आप इसको यहाँ से ले आए टॉप व्यू पर, और जो इसका स्टाइल है उसको यहाँ से ले आए आप 2D वाला सेल, जो पुराना सेल था उसी पे ले आइए। और यहाँ पे ये जो डॉट आ रहे हैं ये ग्रिड्स हैं, यहाँ से इनको ऑन और ऑफ किया जा सकता है। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे यूनिट्स कमांड। यूनिट्स कमांड लिखने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो अगर आप फील्ड्स में काम करना चाह रहे हैं तो इंजीनियरिंग में चले जाए, 0 फीट 0 इंच पर आप काम कर सकते हैं, तो फीट और इंच दोनों में काम कर सकते हैं। उसके बाद लिमिट्स कमांड बता के आपने अपना 0.0 लोअर लेफ्ट कॉर्नर बताना है। इसके बाद अपर राइट कॉर्नर के लिए हम यहां पे इसे बता देते हैं तकरीबन इसकी जो विड्थ है, एक्स वैल्यूज जो है वो हम बता देते हैं 670, चलो 100 बता देते हैं, 100 फीट्स। फीट्स के लिए सिंगल कोट लगा रहा हूं मैं, कॉमा, और जो वाई वैल्यू है वो भी हम बता देते हैं 100 फीट्स और इंटर करते हैं। इसके बाद जूम कमांड लिखकर एंटर करते हैं और उसको सेट। अब हम यहां से लेते हैं रेक्टेंगल कमांड, और जैसे हम पहले बनाते थे कि 0.0 इंटर, ये हमारा रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। इसके बाद इसकी एक्स और वाई वैल्यूज को हमें इनपुट करना है, लेकिन चूंकि हम 3D व्यू में काम कर रहे हैं तो डी फॉर डायमेंशन लिखेंगे। और अब हम इसकी डायमेंशन पहले विड्थ और हाइट में अलग अलग बताएंगे। स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स कह रहा है, लेंथ हम इसकी बता देते हैं 50 फीट्स। और अब ये कह रहा है इसकी विड्थ बताइए, तो हम उसको 30 फीट्स बता देते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर एक ये हमें कह रहा है कि क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसकी नापना चाहें तो यहाँ से लीनियर डायमेंशंस को भी हम एक्टिवेट करके इसकी पहले एक मेजरमेंट ले लेते हैं, और मेजरमेंट उनकी विड्थ और हाइट दोनों में ले लेते हैं, फीट्स और इंचेस दोनों में हमें बता दिया है। तो यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ क्लिक कर दिया और इसको सेलेक्ट करके दोनों को हमने यहाँ से हाइट जो है इसकी बता देते हैं 5 इंचेस तो इसकी हाइट बता देते हैं 360, और ये आ गया है 600 जो कि बिल्कुल सही आ रही है। अब इसको उठा के आपने पूरा सेट कर लेना है, ऐसे जूम कर लें तो ये आपका प्लॉट का एक एरिया क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आप इसका एक ऑफसेट लेना है 10 इंच का बाउंड्री वॉल का ऑफसेट 10, और इंच के लिए डबल कोटेशन लगा रहा हूँ एंटर, और यहाँ से क्लिक करके आपने इनसाइड क्लिक करना है। तो ये देखिए एक बाउंड्री वॉल क्रिएट हो गई। ये करने के बाद जब आपने इसकी बाउंड्री वॉल और इसके अंदर का ऑफसेट क्रिएट कर दिया तो अब आप इसको इसका व्यू चेंज करेंगे। व्यू चेंज करने के लिए हम इसको यहाँ से लेंगे क्लिक करके साउथ आइसोमेट्रिक पर, और यहाँ से हम स्टाइल, अच्छा अभी ये क्यों नहीं हो रहा, देखिए यहाँ इससे भी ना होने की वजह ये कि आपकी कमांड अभी सिलेक्टेड है, ऑफसेट इसको कैंसिल करें स्केप की मदद से, और आप यहाँ क्लिक करके यहाँ से अपना व्यू चेंज करें। ये आपको देखिए इस तरह से नजर आ रहा है, और अपना जो स्टाइल है कॉन्सेप्चुअल स्टाइल रख लें। तो ये देखिए आपको दो वाइट कलर की लाइन नजर आ रही है, यूँ समझे कि ये जमीन है और आप फ्लोर है उसके ऊपर ये दोनों प्लॉट्स की आपने बनाई। अब इनकी वॉल्स को ऊपर हाइट के तौर पर ले जाने के लिए मैं 12 फीट की इसमें वॉल्स बनाऊंगा, तो मैं यहाँ से कमांड लेता हूँ जिसका नाम है प्रेस पुल। ये कमांड देख लें यहाँ से, जैसे आप प्रेस पुल कमांड लिख भी सकते हैं और कंट्रोल अल्टर इसकी शॉर्टकट की है उसको क्लिक करके भी ले सकते हैं। लेने के बाद जैसे आप अपनी प्रेस पुल कमांड को लेकर आएंगे तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में जब आप लेकर आएंगे तो ये दोनों लाइन सेलेक्ट हो जाएंगी, ज्यादा के अंदर जाएंगे तो सिर्फ वॉल ही लाइन सेलेक्ट होगी, और बाहर आएंगे तो हो सकता है बाउंड वाली साइड सेलेक्ट हो, लेकिन आपने इन दोनों के बीच में रखना है और दोनों लाइन जब सेलेक्ट हो जाए तो आपने जस्ट एक क्लिक करना है अपने माउस से प्रेस, एंड देन इसको ऊपर की तरफ पुल करना है। पुल करते वक्त आपने इसकी जैसे डायरेक्टली जितना रखना है उसकी हाइट बता दे दीवारों की, लेकिन अगर आपने हाइट स्पेसिफिक बतानी है जैसे 12 फीट 14 फीट 16 फीट कितनी बतानी है, तो उसके लिए आपने इसको ऐसे ऊपर की तरफ रख के कीबोर्ड से लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ नीचे पढ़ लीजिएगा 14
और यहाँ से मैं सिंगल कोट लगा रहा हूँ सीट्स के लिए और एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने 14 फीट टिक के एंटर किया तो ये देखिए 14 फीट की इसकी दीवार हाइट जो है क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम इसमें डोर और विंडोज जो निकालना चाहते हैं तो वो किस तरह से निकालेंगे। डोर और विंडोज निकालने के लिए आपको फिर से इसके व्यू को समझना होगा। देखिए यहां से आप क्लिक करेंगे तो इसका टॉप व्यू ये है, ठीक है, और अगर आप इसके यहां से इसका एसोमेट्रिक व्यू देखते हैं तो ये है। इस तरह आप इसका लेफ्ट व्यू देखना चाहते हैं तो ये है, राइट व्यू देखना चाहते हैं तो ये है, और आइसोमेट्रिक व्यू में दोबारा ऐसे ऐसे देख सकते हैं इसको, और इसके अलावा बैक देखना चाहते हैं तो ये इसका बैक है। सो आप दोबारा से साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में ला के इसको और उतरने अब ये वाले हैं कि यहाँ पर डोर डिजाइन करेंगे। तो डोर फ्रंट पे डिजाइन होगा, तो डिजाइन करने के लिए फ्रंट पे डोर हमें यहाँ से क्लिक करना है और कौन सा ऑप्शन लेना है इसका, फ्रंट। तो आपके पास फ्रंट तो सर ये आ गया जी बिल्कुल, तो ये इसके हिसाब से फ्रंट है, लेकिन आइसोमेट्रिक में अगर हमें ये लेना है तो फ्रंट हमारा बनेगा जाके लेफ्ट, ठीक है। इसको इस तरह से रखने के बाद इधर डोर जो आपका डोर होगा, ओके, सबसे पहले लेनी है आपने रेक्टेंगल कमांड और यहां से रेक्टेंगल को आपने यूज करना है, फर्स्ट पॉइंट बता देते डिफॉल्ट डायमेंशन। अब क्योंकि डायमेंशन बतानी तो पहले इसकी विड्थ बता दे, मैंने इसकी विड्थ बताई है 5 फीट, एंटर, और हाइट बता दे 8 फीट और एंटर, ये क्रिएट हो गया। इसको चेक कर ले साथ साथ कि ये फ्रंट बना है या नहीं, तो कॉन्सेप्शन व्यू में लाके, कॉन्सेप्शन में तो ऑलरेडी है सर, सिमेट्रिक व्यू में देख लीजिए इसको, कमांड कैंसिल करके ये देखिए क्रिएट नहीं हुआ। अब जब क्रिएट नहीं हुआ तो आपने दोबारा से फिर ट्राई करना है इसको लेफ्ट कमांड पर, तो यहां से रेक्टेंगल कमांड लेनी है, default dimension 5 feet enter or 8 feet enter and then enter command को enter दे। enter और फिर हमने use करनी है rectangle command, यहां से लेनी है rectangle command, click करना है यहां पर। अब default dimension बतानी है इसकी 5 feet इसकी width बतानी है और 8 feet इसकी ये देखिए ऊपर की तरफ क्रिएट हो गया, और उसको हम यूज करते हैं मूव कमांड, और करने के बाद इसको यहां से सेलेक्ट करके तकरीबन 2 फीट एंड 6 इंच इसको इस साइड पर मूव कर लेते हैं, लेफ्ट साइड पे 2 फीट एंड 6 इंच, ये देखिए ज्यादा ही हो गया। मूव कमांड सेलेक्ट किया इसको यहां से और इस कॉर्नर से मैं सिलेक्ट इसको मूव किया है, ऑर्थोमोन ऑन कर लें थोड़ी देर के लिए 2 फीट और 6 इंच, कोई कुछ नहीं। अब ऑर्थोमोन ऑफ करें, अब चेक करें इसको आइसोमेट्रिक व्यू में कि ये फ्रंट वॉल पे है या नहीं, ये देखिए दिख भी रहा है फ्रंट वॉल पे भी है। अब आपने क्या करना है कि अगर ये डोर यहाँ से पीछे तक आपको इसको इसका एक हॉल क्रिएट करना है तो यहाँ से लेनी है प्रेसफुल कमांड और इसको यहाँ पे रख के क्लिक करना है, होल्ड करके यहाँ से पीछे से इसको निकाल क्लिक करना, ये देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपने दोबारा से इसको लेफ्ट पर लेना है, अब इसकी विंडोज बनानी है आपने, तो वो किस तरह से बनेगी, विंडोज बनाने का तरीका आसान है कि दोबारा रेक्टेंगल कमांड लें और उसको इस कॉर्नर से सिलेक्ट करें, डिफॉल्ट डायमेंशन बताइए इसकी और अब इसकी कैलकुलेशन बताइए विड्थ टू हाइट, तो इसकी विड्थ टू हाइट ऐसे बता देते हैं तकरीबन 6 फीट इसकी विड्थ कर देते हैं और 4 फीट इसकी हाइट कर देते हैं, ये देखिए ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब इसी ब्लॉक की एक और कॉपी ले लें, ठीक है 6 फीट बता दिए, अब दूसरी जो ब्लॉक की कॉपी इसी कॉपी ले लें, कॉपी यहां से इसको सेलेक्ट करें और एंटर करें, इस कॉर्नर से नहीं बल्कि इसको इस कॉर्नर पे पकड़े, पूरा सिलेक्ट हो गया, कॉपी इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर एंटर, यहां से पकड़े इसको और यहां पे परफेक्ट फिक्स भी अंदर सेट, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसको डोर से कितने कितने डिस्टेंस पर रखना है, मिसाल के तौर पे 2 फीट के डिस्टेंस पर रखना है,
मूव कमांड और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करें, एंटर करें और यहाँ से इसको इनको फिट इस तरफ को और मूव कमांड यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को इस कॉर्नर से 2 फिट इस तरफ को मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि भाई इसके अंदर आपने वेंटिलेटर भी बनाने, पहले चेक कर लें इनको भी आप आइसोमेट्रिक व्यू में लाके। अब यहाँ से प्रेस पुल कमांड लीजिए और प्रेस पुल कमांड लेके विंडोज को डायरेक्टली इस तरह से इसको पीछे निकाल लीजिए और दोबारा से प्रेस पुल कमांड लीजिए और यहाँ से इसको पकड़ के ठीक है और दोबारा से इसको यहाँ से लेफ्ट व्यू पर ले आइए। अब रहा सवाल वेंटिलेटर्स का, तो वेंटिलेटर भी बना लेते हैं। तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगल कमांड और रेक्टेंगल कमांड लेके मैंने इस कॉर्नर से क्रिएट किया इसको। ठीक है, इतने बड़े वेंटिलेटर नहीं होते, इसके हाफ को हाफ में निकाले इसके वेंटिलेटर, तो ये 5 फीट है, इसका हाफ करेंगे तो 2 फीट ऑफ 6 इंच आएगा, तकरीबन इसको 3 फीट छोड़ा कर लेते हैं और 1 फीट 6 इंच इसकी जो है हाइट रखते हैं। तो 3D4 डायमेंशन 3 फीट इसकी विड्थ आ गई और 1 फीट और 6 इंच इसकी हाइट आ गई। और इसके अदर कॉर्नर लोकेशन जो है इसकी हमने बता देते हैं। ठीक है, क्रिएट हो गया। तो अब यहाँ से आपने इसको एक कॉपी ले ली है, इसकी एक कॉपी यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर करके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ट्रांसफर करनी है। इसके बाद मूव कमांड यूज करनी है। तो अब आप देखिए आपकी हाइट कितनी बची, देखिए यहाँ पे 8 फीट हो गया, यहाँ 14 था, तो 2 ऊपर से छोड़ दें आपके, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 14 माइनस 8 तो आंसर आएगा 6 फीट। इसकी हाइट अभी रखनी है 6 फीट के ऊपर। ठीक है, तो लेकिन 6 फीट उस ये भी ख्याल करना है कि 1.5 फीट का तो ये भी है, तो 6 फीट में से वो भी निकाल दें, तो तकरीबन 6 फीट में से 2 निकालेंगे तो ये 4 फीट, 4 फीट इसकी हाइट रखनी है। तो यहाँ से आप यूज करेंगे मूव कमांड, सेलेक्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को भी और इस वाले ऑब्जेक्ट को भी, जो कि यहाँ पे थोड़ा साइड में नजर आ रहा है, इन दोनों को और क्लिक करके पहले तो इनकी जो मूव करेंगे पोजीशंस कितना मूव करना है, 3 फीट ये जोड़ा है, 5 फीट वो है, तो 1 फीट 6 इंच हम इसको मूव कर लेते हैं। तो 1 फीट और 6 इंच हमने इसको इस साइड मूव कर लिया, ये सेंटर में आ गया। वंस अगेन मूव कमांड यूज करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंटर किया और यहाँ से ऊपर की तरफ इसको मूव करेंगे। यदि ऊपर की तरफ हमने मूव किया इसको स्ट्रेट रख के, तो तकरीबन 4 फीट हमने इसको ऊपर की तरफ मूव कर दिया। 4 फीट करने पर ऊपर चला गया बहुत ज़्यादा, इसको हम तकरीबन 3 फीट करते हैं मूव कमांड और यहाँ से सेलेक्ट करके, और हमने यहाँ पे भी सेलेक्ट किया और एंटर किया, दोनों को सेलेक्ट करके, ये वाला सेलेक्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट और देन एंटर, और एंटर करने के बाद यहाँ से क्लिक करके यहाँ रख के 3 फीट हो गया इसकी हाइट, बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गया। अब हम यहाँ से कमांड कैंसिल करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ से इसका आइसोमेट्रिक व्यू दोबारा से लेंगे और प्रेस पुल कमांड से पहले यहाँ के सेलेक्ट करके इसको इस तरह से और फिर दोबारा से प्रेस पुल कमांड लेके यहाँ से सेलेक्ट करके इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए आपने अपने जो बाउंड्री वॉल्स बनाई थी, बाउंड्री वॉल्स पर आपने इसका डोर का फ्रेम बनाया, विंडोज का फ्रेम बनाया, बॉथ फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ बनाया और प्रेस पुल के जरिए उनको कट आउट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इनके फ्रेम्स की चौखटें बनाएंगे दरवाजों की और फिर इनके अंदर विंडोज को फिक्स करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।